हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं टेकी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक के उस फीचर्स के बारे में कि अगर आपने गलती से किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिए तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, क्योंकि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसने ये ऑप्शन हटा दिया है। तो इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो उससे पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन को दबा दिया है, जिससे आपको आने वाले वीडियो हमारे सबसे पहले देखने को मिल पाए। तो जैसा कि दोस्त, अगर आप जानते हैं कि अगर आप लड़का हैं और अगर आपने किसी को गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट आप जानबूझ के भी भेज देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अनजाने में बहुत कम होता है। और अगर आप लड़की हैं और आपने गलती से भी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एक इशू हो सकता है। और लड़की बीइंग अ लड़की, आप इसे डिलीट करना ही चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आप डिलीट करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप कैसे डिलीट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये अभी जो फेसबुक का एप्लीकेशन है उसमें ये अवेलेबल नहीं है फीचर, कुछ दिन पहले तक था लेकिन अभी हटा दिया गया। तो इसके लिए आपको अभी क्रोम ब्राउज़र पर आ जाइए, उस पर जाके आपको करना पड़ेगा। तो आप सर्च कीजिए facebook.com, उसके बाद आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाइए और आपका जो भी लॉगिन या साइनअप प्रोसेस है उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपनी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है, ये रही मेरी चैनल की आईडी टैकी पॉइंट। और इसमें आप कैसे, आपको जो भी मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या आपने भेजी उनको डिलीट कैसे करते हैं वो प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा दूसरे नंबर पे पीपल्स का, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो या पेज खुलेगा, उस पर जाने के बाद आपको कुछ और नए ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट का। तो आप उस रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट पे। नीचे उसको स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू सेंड रिक्वेस्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जितनी भी गलती से या जानबूझ के जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई हैं और अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं वो सारी लिस्ट में दिखा देगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए मुझे पहली जो ये आईडी है कृष्ण कुमार की, ये डिलीट करनी है, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्वेस्ट सेंड, तो मैं कैंसिल पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए रिक्वेस्ट कैंसल्ड हो गई है, ठीक है। ऐसी अगर आपको सारी रिक्वेस्ट जिस जिसकी भी कैंसिल करनी है उनको आप इंडिविजुअल एक एक करके आपको चूज करना और उनको रिक्वेस्ट डिलीट करनी है जो भी सेंड आपने कर रखी है। तो इस तरह से आप अपनी भेजी हुई रिक्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं। और बाकी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है तो आई थिंक सभी को पता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब लोग यही करते हैं, ठीक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सबको पता है। तो ये रहा था एक छोटा सा ट्यूटोरियल जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। ऐसे मैं और सारे टेक वीडियोज़ या ट्रिक्स के बारे में या एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में मैं बताता रहता हूँ अपने चैनल के बारे में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और उसके अलावा अगर आपको कोई किसी टॉपिक को वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में करके, मैं आपको बना दूंगा। बाय बाय।